जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है वो ये साल आप डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे, बिकॉज शनि का जो है प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, वो आपको हार्डवर्क डिसिप्लिन करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो हो सकता है कि किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 को जन्मे हैं, तो आपका साइकिक नंबर है 3 और आपको रूल करता है जुपिटर। 2024 को अगर हम ऐड करें तो आता है नंबर 8 पे, शनिदेव का नंबर है और शनिदेव और गुरु के साथ में ठीक ठाक रिलेशनशिप है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बैर। अब ये नंबर 3 के लिए ये साल कैसा रहेगा आइए देखते हैं। आपके लिए ये साल अच्छा होएगा, प्रॉमिसिंग होएगा, क्योंकि जब आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छी है, यानी कि सैटर्न और जुपिटर की रिलेशनशिप अच्छी है, तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। प्रोफेशनली 2024 में आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, बिफोर द ईयर स्टार्ट स्टार्ट प्लानिंग योर गोल्स एंड यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट देम, बिकॉज जुपिटर जो है वो तो क्लैरिटी आपको देता ही है, शनि जो है वो आपको हार्डवर्क करवाएगा। तो जो जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है वो ये साल आप डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे, बिकॉज शनि का जो है प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, वो आपको हार्डवर्क डिसिप्लिन करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो हो सकता है कि शनि के आने से आपका ये साल में आप वो तरक्की करें, वो रिकॉग्निशन आपको मिले जो आज तक आपको नहीं मिली है। एस्पेशली जून के ऑनवर्ड्स आपके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। सबसे पहले अगर आप अकल फील्ड से हैं, कोई भी हीलिंग फील्ड से हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एचआर हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ हीलिंग, यानी कि आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, वेलनेस से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, तो भी आपको ये साल ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगी। मीडिया से हैं, क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अवार्ड्स मिले, आपके काम को पहचान मिले, आपको अप्रिसिएशन मिले, और आपका पिछले साल से, यानी कि ये जो 2023 के साल से 2024 आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा हो सकता है कि अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो शनि और गुरु दोनों ही इस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये साल आपके जो एफर्ट्स हैं उनको डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने की वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। जॉब में भी आपका प्रमोशन हो सकता है, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ग्रोथ और प्रमोशंस के डेफिनेटली चांसेस हैं। आपको पर सिर्फ एक चीज करनी होगी कि आपको अपना आपको पब्लिक तक पहुंचना होगा। अब पब्लिक तक आपको कैसे पहुंचना है वो तो आप ही जानते हैं। इस साल आपका जो थीम है वो होगा नॉलेज और विजडम, तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए, कोई एक नया कोर्स करें, कुछ भी आप इंक्लूड करें कि आपका जो गुरु है वो आपको सपोर्ट करे। और ये देखेंगे कि जब आप एक नया कोर्स कर रहे हैं तो आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक डिफरेंट तरह का एक विजन आएगा। तो अगर आपने कोई अच्छा सा कोर्स कर लिया तो गुरु आपका पावरफुल हो जाएगा, और ये गुरु जब पावरफुल हो जाएगा तो डेफिनेटली गुरु आपको बहुत देगा। ये भी हो सकता है कि साल के एंड तक अगर आप थोड़े से मेच्योर नहीं थे तो शनि के आने की वजह से आप मैच्योर हो जाएंगे। शनि जो है ना विजडम का प्लैनेट है, तो आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ विजडम आएगी, जिसकी वजह से आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से भी कनेक्शंस हो सकते हैं, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। और एक और चीज है, ये साल में आपने जो जो इस साल में कमिट किया आप वो कंप्लीट कर पाएंगे। आप डेफिनेटली ये साल में अपना जो भी काम है वो पूरा करेंगे। डिफिकल्टी आ सकती है, वो तो किस काम में नहीं आती, लेकिन मेन चीज जो मेरा वादा है आप सभी से कि आप लोग अपनी जो कमिटमेंट है, जो अपना काम है, उसको पूरा कर पाएंगे। डिप्लोमेसी से तो आप काम कर सकते हैं, अगर बल्कि इनफैक्ट गुरु प्रधान जो लोग होते हैं वो थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, उनके अंदर उनके नॉलेज का एक तरह से ईगो रहता है, घमंड रहता है, तो ये साल आपको डिप्लोमेसी डेफिनेटली काम आएगी, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमैट बना ही देगा। तो आप ये देखेंगे कि शनि की वजह से आप जो ये डिप्लोमेटिक बन जाएंगे उससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इतने सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये साल, इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप्स की तरफ देना पड़ेगा।
नहीं तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए नहीं कि शनि का साल है, इसलिए क्योंकि ये साल में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर फ्रंट पे, जिससे आपका रिलेशनशिप का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा ऊंच नीच में हो सकता है। तो आप ही के ऊपर है कि आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करिए। हो सकता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान ना दें तो कुछ कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पे भी पहुंच सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, इतने मसरूफ मत हो जाइए अपने काम में कि आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। चेंजेस अगर कुछ हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स में आप जा सकते हैं। 8 नंबर है तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा, अदरवाइज गुरु है तो गुरु डेफिनेटली आपको बचा लेगा। ये साल 3 नंबर वाले प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शुरू हो जाइए। जिन जिन को प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है ये साल आपको आपके सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी अनबन रहे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो याद रखिएगा कि आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को हैंडल करिएगा। कोशिश करिए कि आप सिचुएशंस आप पर भारी नहीं हो पाए, कोशिश करिएगा कि आप ये सिचुएशन से धीरे धीरे निकल सके, ताकि आप ये रियलाइज करें कि आपके ईगो से ज़्यादा रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। आपका इंट्यूशन भी ये साल बढ़ सकता है, तो अपनी गट फीलिंग पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं होने वाली है या कोई चीज़ में दिक्कत आने वाली है, तो कोशिश करिएगा कि वो चीज़ आप ना करें। 3 नंबर वाले ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, और कोशिश करें कि ये साल अगर आपको कोई एडवाइज़र मिलता है जो आपकी एज से बड़ा हो, 10 साल 15 साल, तो उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। एजुकेशन की फील्ड में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप पास तो होंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इस साल को कैजुअली मत रखिए। क्योंकि देखिए, मैंने कहा है शनि आया है तो सबको सबसे एक्स्ट्रा मेहनत तो कराएगा ही कराएगा। इस साल में फॉरेन एजुकेशन की या फॉरेन ट्रैवल की भी चांसेस अच्छे हैं। हो सकता है कि आप वो कोर्सेज ऑनलाइन भी ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन सकता है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छा लर्न कीजिए, छोटी सी भी छोटी चीज़ आप लर्न कीजिए, कोई प्रैक्टिकल स्किल्स अक्वायर कीजिए, कोई भी नॉलेज को आप एक्वायर कीजिए। ये साल बहुत ज़रूरी है कि आप एक येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखिए, और कोशिश करिए कि जूते जो हैं, स्पेशली ये 3 नंबर वालों के लिए, अगर आपको कोई लेदर जूते लेने हैं, लेदर वॉलेट लेना, लेदर की जो भी चीज़ लेनी है, कोशिश करिए शाम को 6 बजे के बाद लीजिए, ताकि आप पे शनि का जो प्रकोप है वो नहीं आए। हेल्थ वाइज ये साल आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। माइनर इनकन्वीनियंस आते रहेंगे, मगर हेल्थ विल बी ओवरऑल वेरी वेरी गुड। बट येस, अवॉइड ओवर ईटिंग। जो गुरु प्रधान लोग होते हैं उनको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अवॉइड ओवर ईटिंग और थोड़े डिसिप्लिन में रहिए। कोशिश करिए कि थर्सडे का अगर आप फास्ट कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि थर्सडे की वजह से या थर्सडे की फास्ट की वजह से गुरु तो आपका अच्छा ही रहेगा और आपके अंदर एक डिटॉक्स भी हो जाएगा। बेसिकली आपको फूड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको ये साल कुछ भी काम करना है तो अपने लकी डेज पे कीजिए, यानी कि 1 पे कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं, 12 पे कर सकते हैं, 19 पे कर सकते हैं, 21 पे कर सकते हैं, 28 पे कर सकते हैं। कोशिश करिए सैटरडे को नए काम अवॉइड कीजिए, या फिर 8, 17, 26 को भी कोशिश करिए कि काम ना करें। गुरु प्रधान लोगों के लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी कि थर्सडे के दिन जाके अगर वो 3 केले मंदिर में अर्पण करें भगवान विष्णु को, तो उनके लिए विष्णु जी एक प्रोटेक्टिव, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिए जितनी ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप डेफिनेटली विज़िट कीजिए, ताकि आपका जो जुपिटर है वो पावरफुल हो जाए और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके फैमिली में कोई बंदा है जिसका 3 नंबर है तो डेफिनेटली ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।